subscribe to my YouTube channel Thrills of Life and hit that bell button for further notification. Me and my wife, we are traveling towards Dharamdin. So, hum log ke saath rahiye till the end of this video. Hello mitro, welcome to my YouTube channel Thrills of Life. ये मेरा बीवी है और वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चुंगथांग टू धरमदिन बाय व्हीकल और हम लोग का जर्नी में आप बने रहे. हम लोग यहाँ से एक बजे दिन को एक बजे निकल गया था और शाम को 7 बजे ऐसा पहुँचा क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत होने से हम लोग को बहुत लेट हुआ था. Because of Diwali, there was so much traffic jam. On the next day, we reach Dharamdin. Dharamdin ka bahut rich history hai about the stairs to heaven, swargiya jaane seedhi. Aur yahan ka mostly population farming karte hai aur ye kheti bari hai. Aur it looks beautiful in every seasons. ये हम लोग का खेत है और यहाँ से वीट निकाल रहा है हमारा अंकल. सांबा ले रहा को ये सांबा बोलता है नेपाली में. इसको जो धान के बीच में पलता है जो काम नहीं लगने वाला ग्रास होता है वही है. यहाँ अभी राइस का सीजन है और सिक्किम में हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ राइस धरमदिन से आता है. सो जब राइस उगता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. ये अब कल्टीवेशन टाइम होने वाला है. अब एक महीने जैसे में तो कल्टीवेट करना पड़ता है इसको. ये मैं भी गाय को टोमेटो दे रहा है जो लेफ्ट ओवर होता है वही. ये हमारा ग्रैंड फादर है और वो चारा के लिए प्रिपेयर कर रहा है गाय का चारा. और ये हम लोग का किचन है और वो वाला नया बिल्डिंग ये वाला पुराना वाला घर है. ये गाय का चारा कुक हो रहा है. सुनताला और गुआबा लेने के लिए आया है. हम गुआबा ये है सुनताला ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज है. ये मेरी बीवी तो खा रहा है. हम लोग का खेत है ये. मेरा आंटी सेलोटी प्रिपेयर कर रहे हैं. उसका मिक्सर बना रहा है जो धान का होता है वो बना रहा है और धान के साथ बहुत मसाला जो जो इंग्रेडिएंट है वो डालना पड़ता है और उसके बाद तेल में डाल के और जो रेडी होने से पास पोंखने से वो इसको बनाना पड़ता है. और तेल में डालने से अच्छा होता है रोटी. वो हम लोग का सेल रोटी बोलता है इसको. इसका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है और कार्डमम इस सब का उसका स्वाद भी आता है बहुत अच्छा होता है. ये ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं हम लोग सुबह और कोई मेहमान आने से गेस्ट आने से हम लोग इसको सर्व करते हैं. Thank you.
मिठो छ मिठो छ छिटो ल्याउन आऊ नेक्स्ट डे हम लोग ये खेत पे काम कर रहे हैं और ये खेत पे हम लोग पेडी हार्वेस्ट थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि जगह बनाने के लिए यहाँ पे सब पेडी काट के एक जगह हम रखते हैं, उसको सूखने देते हैं, उसके कूट के उसका ग्रास अलग करके और राइस अलग करके हम लोग स्टोर करते हैं। और ये ग्रास गाय खाता है, राइस ऑब्वियसली हम लोग खाते हैं। और ये इसको खलेगरा बोलता है, इसको काट के वो जो लेफ्ट ओवर वो जो ज़मीन में धान का वो रूट रहता है उसको भी उखाड़ के और इसको अच्छा से प्लेन बना के और सब धान को कल्टीवेट कलेक्ट इधर करते हैं। सो हम लोग ये प्रोसेस पे लगाए बाला तो कुछ नहीं होना, आओ आओ, आओ ना, हाँ ये नहीं बाम ये तो आओ ना, ये ऐसा देखेगा, धान काट के एक आज स्टोर करेंगे, इसको खाली गरा बोलता है। बाला तो कुछ नहीं होना, आओ आओ आऊ ना हाँ हेर्ने भए पनि यतै आऊ न फाइनली ये ख़त्म हो गया। आप हम लोग ये धान को अच्छा से पछाड़ने वाला है और उसका राइस और वो ग्रास अच्छा से सेपरेट करके वो ग्रास हरा है आज काट के गाय को देना वाला है। तो ग्रास तो गाय खाएगा, घास काटना नहीं पड़ेगा अभी। सो ये हम लोग पछा रहे, अच्छा से पछा रहे, उसको सेपरेट कर रहे और मेरा अंकल भी बहुत अच्छा से पछा रहे और हम भी पछा रहा था। घास को बारी पुगे ये एक भारी हम बोक रहे और इसको गाय को डालना है। आप फायर वुड के लिए ये सूखा वाला वुड काट रहे और ये हम लोग आग जलाएंगे, इसको इससे खाना पकाएंगे। ये देख रहे हैं खाना पक रहा है। ये चाहिँ यस्तो के पकाएको गाई तपाईको हिजोको सुँगुरको मासु हेर देखाउनु पर्छ भ्युअर्सलाई। धर्मदिन बहुत अच्छा और पीसफुल प्लेस है वेस्ट सिक्किम में, इज अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ। यहाँ पे बहुत पीस है और आप लोग को रात में तो और भी सुंदर लगता है यहाँ पे। और आप लोग आ सकते हैं, यू कैन विजिट धर्मदिन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये मेरा हिंदी ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए। और हम बिलीव करते हैं कि आप लोग बहुत
सपोर्ट करेंगे और ये चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग थ्रिल्स ऑफ लाइफ.